जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टुडे में। और आपसे मैं सबसे पहले विनती और निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन ऑल पर जाकर ऑन रखें ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से राशिफल के बारे में, महीन मासिक राशिफल के बारे में, ग्रह गोचर परिवर्तन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। चलिए तो बात करते हैं धनु राशि के राशिफल के बारे में, 2021 की फरवरी के राशिफल के बारे में। तो धनु राशि वालों की अगर हम बात करें तो धनु राशि के जो स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति स्वामी होने के कारण धनु राशि वाले काफ़ी विद्वान पाए जाते हैं और ऐसे में धनु राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कलाकार, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे टीचर या साइंटिस्ट या अच्छे पदों पर पदों की प्राप्ति कर लेते हैं क्योंकि ऐसे लोग विद्वान पाए जाते हैं। तो इसी अच्छाइयों के कारण, गुणों के कारण आपका फरवरी महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा और लाभकारी रहने वाला है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले धन के बारे में क्योंकि सबसे बड़ा विषय होता है हमारी धन की स्थिति कैसे रहने वाली है, कैसा हमारे जीवन में धन बनने वाला है। तो फरवरी माह धनु राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ लेकर आया है, आर्थिक सुखों की प्राप्ति लेकर आया है। फरवरी माह में धनु राशि वालों को धन की प्राप्ति होने जा रही है, रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है, कहीं अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है या अनचाहा या अचानक से आपको धन की प्राप्ति भी होने जा रही है फरवरी माह में, यह आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप व्यापार या नौकरी करते हैं तो उन वर्गों से भी, उन जगहों से भी आपको अच्छे धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। अगर नौकरी की हम बात करें तो नौकरी के लिए भी काफ़ी अच्छा समय, अनुकूल समय आपके लिए। नौकरी में कोई फेरबदल की स्थिति नहीं नज़र आ रही है, जैसी है वैसी रहने वाली है स्थिति। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो ये कहेंगे मेरी तो स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो क्या खराब ही रहेगी? ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्थिति खराब है, अच्छी नहीं चल रही है नौकरी, तो वो स्थिति आपकी परिवर्तन हो जाएगी। पर अगर स्थिति आपकी सामान्य है तो वो अच्छी नहीं होगी, सामान्य ही रहने वाली है। यानी खराब तो सही हो जाएगी पर सामान्य ही रहेगी। इसका मतलब है कि अगर आपकी नौकरी में आपको इनकम अच्छी है, आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि ठीक है इससे मेरा रोजगार चल रहा है, तो वो वैसी रहने वाली है। कोई नया परिवर्तन नौकरी में नहीं होगा, यानी कि नए पद प्रमोशन के योग नहीं बन रहे हैं, नौकरी परिवर्तन के योग नहीं बन रहे हैं, नौकरी प्राप्ति के योग आपके जरूर बन रहे हैं। तो अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप कोशिश कर सकते हैं, फरवरी में आपको नौकरी की प्राप्ति भी हो जाएगी। अगर व्यापार की हम बात करें तो व्यापारिक वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा समय है, पर कोई बड़े निवेश मैं कहूँगा इस महीने आप ना करें क्योंकि बड़े निवेशों में आपको हानि हो सकती है या आपको खतरा अधिक हो सकता है। और अगर आपको निवेश करना है तो पहले आप उस पर सोच विचार जरूर करें, तभी उसके बाद आप कोई बड़ा निवेश करें या कोई जोखिम भरा कदम जब ही उठाएं जब आप पहले उस पर सोच विचार कर लें। तो व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा समय है, धन अच्छा आने वाला है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी इस महीने, आपका व्यापार में आपको ग्रोथ नज़र आएगी फरवरी माह में। तो आपके लिए व्यापारी वर्ग के लिए जो धनु राशि के हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। अगर स्वास्थ्य पर हम नज़र डालें तो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ आपको फरवरी माह में अंतिम समय में जरूर नजर आएगी। स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है और फरवरी जैसे जैसे बीतेगी वैसे वैसे आपके स्वास्थ्य में तकलीफ आने लगेगी और ये तकलीफ आगे चलकर कोई बड़ा विकराल रूप भी धारण कर सकती है। तो कोशिश करें जब भी आपका स्वास्थ्य डगमगाए, कोई भी आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या लगे, थोड़ा सा भी आपकी बॉडी में, शरीर में हलचल हो तो आप तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें। अन्यथा आने वाले समय में ये जो फरवरी माह में स्वास्थ्य को गड़बड़ाने की समस्या है वो एक बड़ा और विकराल रूप ले सकती है जिससे आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर आप पहले से ही सचेत रहें। अगर आपके हम संतान की बात करें तो संतान सुख की प्राप्ति आपको होने वाली है। अगर आपको नहीं है संतान, परेशान हैं, काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टरों से उपाय करा रहे हैं, ज्योतिषियों से मिल रहे हैं, तो मैं कहूँगा अब वो आपकी सभी समस्या समाप्त होने वाली है क्योंकि संतान की प्राप्ति के आपके प्रबल योग बन रहे हैं फरवरी माह में। क्योंकि फरवरी माह में कुछ ग्रह गोचर होने के कारण ग्रहों की स्थिति ऐसी फेरबदल हो रही है जिसके कारण आपको गर्भधारण के योग आपके बन जाएंगे। अगर दाम्पत्य जीवन की हम बात करें तो मैरिड लाइफ में आपके उथल पुथल रह सकता है, मैरिड लाइफ में आपके तनाव की स्थिति बन सकती है और ये तनाव की स्थिति आपके 15 फरवरी के बाद से आपको बनती नजर आएगी। 15 दिन शुरू के अच्छे रहेंगे, मैरिड लाइफ में अच्छा अनुभव आपको मिलेगा,
पर 15 फरवरी के बाद से आपके मैरिड लाइफ में उथल पुथल या मैं कहूँगा उतार चढ़ाव आपको नजर आएंगे। आप दोनों के तालमेल, आप दोनों के विचार में जो विचार हैं एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, जिसके कारण वाद विवाद बढ़ सकता है। और इसी वाद विवाद होने के कारण आप दोनों के बीच में या मैं कहूँगा घर का माहौल आपको नकारात्मक लगेगा, घर का माहौल या घर का आपका जो स्थिति है वो खराब होती हुई आपको नजर आएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपको लगता है आपके जीवन साथी के साथ आप आर्ग्यूमेंट ना करें, कोशिश करें, और सबसे अधिक चीज आप अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें, अन्यथा आपकी बोली गई वाणी से आपके मैरिड लाइफ में, आपके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल हो सकती है। तो 15 फरवरी के बाद आप अपनी वाणी को, अपने क्रोध को विश्राम दें, अपने क्रोध और वाणी पर संयम जरूर रखें। अगर प्रेम जीवन की हम बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो सामान्य रहने वाला है, कोई भी फेरबदल आपके लव लाइफ में नहीं नजर आ रहा है फरवरी माह में। और धनु राशि की अगर हम आपके परिवार के बारे में बात करें, तो परिवार का सहयोग भी आपको नॉर्मल रहेगा, सामान्य है, कोई बड़ा उथल पुथल नहीं है, कोई फेरबदल नहीं है। पिता का सुखों की प्राप्ति जरूर आपको होने वाली है, पर माता सुख में आपको कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, माता सुख में आपको कमी नजर आ रही है धनु राशि वालों के। और ये सामूहिक राशि फल है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सभी धनु राशि को माता सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ जो ग्रह हैं वो हर कुंडली में अलग अलग स्थिति में पाए जाते हैं, उसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा, या आप अलग से पूछ सकते हैं, क्योंकि धनु राशि में माता के सुख में कमी, यानी कि आपकी माता को कहीं ना कहीं आप अपनी माता से दूर हो सकते हैं, या आपकी माता को कुछ हो सकता है जिससे आपको माता के सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो उसका कारण है आपके कुछ और ग्रह भी आपके जो राशि को निर्धारित करते हैं, आपकी राशि में दिक्कत कर सकते हैं, जिससे आपके माता सुख में कमी आ सकती है। अगर हम आपके परिवार की बात करें, तो मैंने आपको बताया माता के सुखों में समस्या आ सकती है। और अगर आपके मकान के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं धनु राशि वाले जो पिछले कई महीनों से हमसे पूछ रहे हैं कि गुरुजी मकान कब बना सकते हैं, मकान के योग कब हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा, या सभी धनु राशि वालों के लिए मैं कहूँगा, फरवरी माह में आपके मकान के योग साकार होंगे, आपके जो मकान को लेने का सपना है वो साकार होता नजर आएगा, मकान के आपको सुखों की, मकान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी फरवरी माह में अगर आप मकान, फ्लैट, दुकान, घर, जमीन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपने सोचा हुआ है तो वो सोची हुई बात या सपने आपके फरवरी माह में साकार हो जाएंगे। और अगर हम उपाय की बात करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धनु राशि वालों को संकट दे रही हैं फरवरी माह में, तो आप लोग, सभी लोग मैं कहूँगा उपाय जरूर करें, तो आप लोग बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र जरूर धारण करें। जब भी घर से निकलें तो हल्दी का टीका लगाकर निकलें और पीले वस्त्र आप जरूर धारण करें। पीले वस्त्र नहीं धारण कर सकते, कोई पीला रुमाल, कोई पीला कपड़ा अपनी जेब में, पॉकेट में जरूर रखें बृहस्पतिवार के दिन, जिससे आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो धनु राशि वालों के लिए इतना ही, मिलते हैं नई राशि के साथ, नई राशि फल के साथ, नई वीडियो में। मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। जय माता दी मित्रों।